क्या हुआ माँ? बेटा, मैं बचपन से ही उस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुनती आ रही हूँ। वहाँ जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता। वो हवेली कई लोगों को निगल चुकी है। उस हवेली को खरीदने की क्या जरूरत थी? माँ, मेरे होते हुए तुम्हें सुमित और गंगा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज ही विंध्यपुरम जाकर तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलकर उनसे बात करके उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। साथ ही उस हवेली के बारे में पूरी जानकारी भी निकाल लूंगा। उसके बाद तुम ही फैसला करना इन दोनों को वहाँ रहना चाहिए या नहीं। सुनिए 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 सुनिए, किधर, कहाँ कहाँ कहाँ? अरे कहाँ आग लगी जिसकी गर्मी तुझे महसूस हो रही है? भगवान ने इतना बड़ा मुंह दिया है। जरा वहाँ तो देखिए कितनी सारी लंबी लंबी चमकदार गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ, सच में लंबी और महंगी गाड़ियाँ हैं। काश हमारे पास भी एक होती। आइए आइए, अपना ही घर समझिए। बड़े भैया, इनसे मिलिए, दुल्हे के पिताजी। 300 गाड़ी लेकर आए, ऑटो में आ सकते थे। नमस्कार। इतनी गाड़ियों की क्या जरूरत थी? इतनी महंगाई के जमाने में आप पानी की तरह पेट्रोल बहा रहे हैं। वैसे हम प्रिया के माँ बाप हैं, लेकिन हमारे घर के सारे फैसले मेरी बड़ी दीदी गायत्री करती है। मैं बस यूँ गया और पूछ कर आया। आप बैठिए। प्रिया का रिश्ता सरस्वती के कहने पर मैंने उसके बेटे से तय कर दिया है। सालों पहले जिसे मैंने चाहा, सरस्वती ने उसी के साथ घर बसा लिया। उसने जो गलती की मैं वो दोहराना नहीं चाहती। ठीक है। अरे सब लोग कहाँ गए? अरे दीदी की भौंभू जैसी आवाज सुन के वो लोग कबूतर की तरह फुर्र हो गए। क्या बात कर रहे हैं? हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं और इन 8 सालों में सरस्वती काकी के परिवार से आज तक हमें कोई मिलने नहीं आया। अरे वो लोग कभी मिलने नहीं आए तो अच्छा ही है ना। ये सारी जमीन जायदाद हमारे ही से आएगी, उसमें हमारे बच्चे कबड्डी खेलेंगे। ए पोपट, ए दुल्हे राजा, फड़फड़ाते हुए आजा। कछुए पर बैठकर तो नहीं आ रहा, रॉकेट की खोज हो चुकी है। रॉकेट पर बैठकर आना चाहिए ना। ये कौन है? भाजी का तबेला समझे क्या जो बैलगाड़ी अंदर घुस रहा है? बैलगाड़ी लेके कौन आ रहा है? ए रोक रे, ए रुक, ए नीचे उतर, ए रुक रुक रुक, ए नीचे उतर, नीचे उतर, ए नीचे, स्टॉप 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 स्टॉप। अरे कल के अंधे, वो तो सच में अंधा है। उसको यहाँ क्यों लेके आया? नकली वीरप्पन के मूंछ वाले। नो नो नो। हेलो, कौन है भाई तू जो इन दो बैलों और एक गधे के साथ धड़धड़ाते हुए अंदर आ गए? रामपुर से मैं कस्तूरी जी का। अरे दामाद जी, खुशी मनाओ, बैंड बजाओ, मिठाई बांटो। मुझे पता नहीं था आसमान में बैलगाड़ी भी उड़ती है। अच्छा हुआ लेकर आए। देखिए जनाब, मैं आपका दामाद नहीं। अरे वो तो मालूम है, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि तुम ही हमारे दामाद बनोगे। मजाक कर रहे हैं? मैं आपका दामाद नहीं हूँ, दरअसल मैं आपका होने वाले दामाद जी, हम जानते हैं। ओहो, लगता है इन सबकी अकल घुटने में है। देखिए, मैं सुमित का दोस्त हूँ और मेरा नाम है शंकर। उस दिन आपको पूरी बात बताने से पहले ही फोन कट गया था। रोड कॉन्ट्रैक्ट के काम से मेरा बेटा यहाँ आने वाला है। वो आपके यहाँ रहने से शर्मा रहा है। वो बहाने बना सकता है, उसकी बातों में मत आइएगा। एक हफ्ते पहले ही सरस्वती जी ने मेरी बहन को ये बातें बता दी थी, इसलिए हम सब जानते हैं कि तुम एकदम झूठ बोल रहे हो। इस वक्त वो प्रिया को अपने साथ लेकर मंदिर गई है। भेजे में घुसी बात, हमें तुम्हारी सारी कुंडली पता। अच्छा तो ये बात है। और नहीं तो क्या दाल भात है? ये कहाँ किस हो गया? अरे यार, भंगिनी भी गायब हो गई। माफ कीजिए, मुझे पटाखों से डर लगता है। मुझे भी। मेरा पटाखा फूट गया क्या? आपको देखकर कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। आपको देखकर मुझे मेरे भैया की याद आ गई। तो ये दोनों यहाँ पर है? अरे लुका छुपी खेल रहे हो क्या? दामाद बाबू, इसका कच्चा पक्का दोनों लाइसेंस मेरे पास है। मेरी कुंडली में मंगल है, फिर भी ये मंगल कन्या मेरे पास है। होली के बाद दिवाली भी चली गई, लेकिन हमारे आंगन में फूल झड़ी जलाने वाला नन्ना मुन्ना नहीं आया। सुमन की गोद 8 साल से सुनी है। आपके पास दिमाग पढ़ने वाली एक्सरे मशीन है क्या दामाद जी? क्या है? आपको तो फिल्मों में हीरोइन होना चाहिए। सीन कट। ये अभी भी हीरोइन है, पर मेरे पिक्चर की। दामाद जी, अब सारी बातें बाहर ही करेंगे, थोड़ी गुफ्तगू अंदर भी कर लीजिए। आइए। बाय। मैंने जिसके आने की खुशी में सस्ते वाले पटाखे फोड़े, वो तो पति पत्नी के बीच में महंगी मिसाइल छोड़ रहा है। मेरी मर्जी। दामाद जी, मेरी चुप रही है। बैलगाड़ी से आए हैं, थक गए होंगे, इसलिए गुसल खाने में जाके गुफ्तगू कीजिए। क्या हो गया?
बड़े भैया इसका रिटर्न टिकट निकालो। लेकिन क्यों? अपनी किडनी बेचकर इसके टिकट के पैसे दूंगा। अगर यह घर में आ गया ना तो हम सबको घर के बाहर निकलना पड़ेगा कटोरा लेके। अबे चुप कर मनुज। मनुज तो वो है। अब क्यों बुला रहा है? हे ऊपर वाले तू इसको बुला ले। तुम ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूं, है ना? यहाँ आते हुए रास्ते में विंध्यपुरम हवेली के बारे में मैंने बहुत लोगों से पूछताछ की पर किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ तो? अगर तुम मुझे विंध्यपुरम हवेली पहुँचा दोगे तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, वरना वरना क्या? हाय, यहीं रहूँगा। ठीक है, ले जाऊँगा, लेकिन एक वादा करो, बाद से मुकर तो नहीं जाओगे? जाओ तो आजमा सकते हो। आजमा खराब हो गया क्या जो तुमको आजमाऊंगा? ए अंदर जा, मैं कब का जाती हूँ। गेट भी भूतों के लिए खुला छोड़ा है। इस हवेली में ना बहुत सारे कमरे हैं। जाओ पैर फैला के सो जाओ, हड़प लो हवेली। बाय। जरा साइकिल छोड़ो। भाड़े पे चाहिए क्या? क्या? चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे दामा जी, बचपन में गिल्ली लेने पहली बार यहाँ आया था, उस दिन नहीं मिली थी, तुम ढूंढो, मैं बाहर जाके डंडा ढूंढ के आता हूँ। ठीक है, चुपचाप मेरे साथ हवेली के अंदर चलो, वरना घसीट कर ले जाऊंगा। अच्छा? हाँ घसीट कर। क्या बोला? वही जो सुना, अंदर भूत है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, चुपचाप मेरे साथ चलो। ऊपर वाले बचा ले, बचा ले। इस छोटे घर में कौन रहता है? दूध वाला रहता है। सुमन, बूढ़ा माली और उसकी पोती रहती है। वो लोग यहाँ रहते हैं और फिर भी तुम डर रहे हो? वो तो भूतों के रिश्तेदार है, मैं तो उनको जानता भी नहीं। हम लोग जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो, मेरी बीवी मेकअप करके मेरी राह देख रही होगी। वो वहाँ पर क्या हो रहा है? चकाचक पेंटिंग हो रही। ओ, तो यहाँ पर पेंटर्स भी रहते हैं? हाँ, पूरे एक महीने से हवेली का थोपड़ा चेंज कर रहे हैं। एक आदमी एक महीने से अकेला अंदर रह रहा है और हम दोनों को वहाँ अंदर जाने से डर लग रहा है। वो अलग गांव का है, इस गांव का होता तो भूत उसे फाड़ डालता। ये बिल्ली की आवाज है या किसी चुड़ैल की आवाज है? मुकेश, क्या तुम इस हवेली की दास्तान जानते हो? इस वक्त तो मैं खुद की दास्तान भी भूल चुका हूँ। बस इतना जानता हूँ कि ये हवेली 50 साल पुरानी और इधर एक चुड़ैल रहती है। एक बार डाकिया डाक देने आया था, उसने ठक ठक करके दरवाजा खटखटाया, चुड़ैल उसे निकल के डकार मार गई। मुझे भी डर के मारे गैस की डकार आ रही है। बहुत हुआ, चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? कौन है? वहाँ ऊपर क्या है मुकेश? ऊपर फुल फैमिली के साथ भूत रहते हैं। भूत रहते हैं? और ताऊ चाचा के साथ पिशाच रहते हैं। पिशाच रहते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, 30 फुट लंबा एक एनाकोंडा जैसा नाग भी है। कईयों को डस चुका है, पिछले साल चूने की पोताई करने रंगा आया था। लेकिन 4 बजे शाम ढलते ही वो चला जाता, लेकिन एक बार उसकी घड़ी बंद हो गई और वो रात 9-10 बजे तक काम करता रहा। बाहर जो अंधेरा था उसकी किस्मत में धीरे धीरे छाने लगा। उस काले नाग ने उसे ऐसा डसा कि सुबह उसकी लाश गेट के पास मिली, मुंह से झाग निकल रहा था। दामाजी, 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 दामाजी को चुड़ैल ले गई है। अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा? जवाब तो तब दूंगा ना जब घर पहुंचूंगा। मुझे घर कौन ले जाएगा? दामाजी, छुपा छुपे खेलना बंद करो। दामाजी, मजाक मत करो, मेरे फेफड़े फुदक के बाहर। बोला था ये भूतिया हवेली है, फिर भी नहीं माने। Ah!